पता है आजकल रिया ना सिर्फ स्कॉलरशिप और पढ़ाई के बारे में बातें करती रहती है। जब से वो बाहर जाकर पढ़ाई करने का भूत सवार उस पर हुआ है ना, उसका बस यही हाल है। मैंने उसे कहा है लेकिन क्या बात है, आप यूं गुमसुम? नहीं कोई बात नहीं। मुझे पता है जब आप इस तरह गुमसुम रहते हैं तो कोई ना कोई बात जरूर होती है। शालू कोई बात नहीं है। देखिए देखिए आप मुझसे छिपाइए मत, मुझे बता दीजिए क्या परेशानी है। नहीं शालू कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए, पर एक बात कहूं, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप खाना खाइए। हेलो, व्हाट? क्या हुआ? ठीक है तुम कल सुबह ऑफिस पहुंच। नहीं नहीं ठीक है मैं ही आता हूं, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ क्या हुआ? अब सुनिए तो सही भाई साहब, हे भगवान क्या हुआ होगा? मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। कृष्ण अकाउंट में लाखों करोड़ों का घपला करता रहा और भाग गया, और मैं बेवकूफों की तरह विश्वास करता रहा। You're doomed मनु, You're doomed। Hey, क्या बात है, इतनी गुस्सा क्यों? मुझे नहीं पता था कि रेवा इतनी डेस्परेट है। क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ नीरू? इट्स नॉट फनी या? यार तुम बता ही नहीं रही हो, मैं 10 बार तो पूछ चुकी हूँ, यू आर नॉट टेलिंग मी। बताओ ना क्या हुआ। रेवा सिराज को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी है। टीना ये पब्लिक रिलेशंस का जॉब ना इजी नहीं होता है, ऐसा करना पड़ता है यार, कई बार ये दिखाना पड़ता है कि नहीं नीलू तुम वहां नहीं थी, अगर तुम वो सब देखती ना तब मैं तुम्हें पूछती। वो अपना काम कर रही है ना, करने दो उसे, तुम्हारे काम में तो कोई दखल नहीं दे रही। तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। नीलू तुम रेवा को जानती हो ना कि वो कैसी है, क्या कुछ नहीं कर सकती है वो। टीना तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। नहीं रेवा का पाला मुझसे नहीं पड़ा है, अब उसे पता चलेगा। चाहे जो हो जाए नीलू, मैं उसे सिराज को पानी नहीं दूंगी।